हमारा क्या मान लो, हाथ जोड़ रहे हैं। मुझे देखते ही करे ओ मूल्य ठहर जा, रुक जा, मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहने लगा कि भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम बोलो। फिर मैंने कहा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं होने लगा, कई थप्पड़ मारी, मुझे ऐसे मारा जिससे कि अंदरूनी चोट पहुंच सके। फिर लगवाए जा रहे हैं मुसलमानों से जबरन जय श्री राम के नारे। फिर राह चलते मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, मस्जिद के इमाम को पकड़ा जा रहा है, फेरी वाले को पकड़ा जा रहा है। आपको आज इस वीडियो में गाजियाबाद की घटना बताने वाले हैं कि जहां एक मस्जिद के इमाम के साथ मारपीट हुई, जबरन जय श्री राम के नारे उनसे लगवाए गए और उसी के साथ साथ एक मुस्लिम गरीब फेरी वाले को पकड़ के किस बेरहमी के साथ पीटा गया, उसके साथ मारपीट हुई और उसको आपत्तिजनक शब्द कहे गए, दोनों की धार्मिक भावनाओं को बुरी तरह से आहत किया गया। इस मामले में आज के इस वीडियो में आप देखिएगा कि क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले आपको मस्जिद के इमाम का बयान सुनाते हैं कि जिसमें तफसील से उन्होंने बताया है कि क्या हुआ, कैसे उनको पकड़ा गया और किस तरह से उनके साथ मारपीट हुई और जबरन उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। ऐसा खुद मस्जिद के इमाम कह रहे हैं, सुनिए जरा वीडियो। सर मेरे साथ ये घटना हुई कि मैं यहां से असर की नमाज पढ़ने के बाद, यानी कि 5:15 पे हमारे यहाँ असर की नमाज शुरू होती है, तो लगभग 15 नमाज में लगे होंगे, यानी कि 5:30 के करीब, 5 और 6 के बीच में मैं यहाँ से टहलने के लिए निकला। जैसे शाम के वक्त लोग निकलते हैं वॉकिंग के लिए, टहलने के लिए, इसी तरह मैं एक लड़के को, कैफ नाम का लड़का था, उसे साथ में लेके टहलने के लिए निकला। जब मैं यहाँ से टहलने के लिए निकला तो गौशाला के आगे 2 स्कूटरी सवार आ रहे थे। आने के बाद जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मुझे देखते ही करे ओ मुल्ले ठहर जा रुक जा, तो मैं रुका नहीं, मैंने सोचा कि शायद ये बदतमीजी कर ले, तो मैं लौटने लगा, उधर से चलने लगा, तो वो मेरे सामने आके स्कूटरी लगा दी उन्होंने और मुझे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहने लगा कि भारत माता की जय बोलो, जय श्री राम बोलो, यानी ऐसे ऐसे शब्द वो कहने लगे जिससे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने लगा। फिर मैंने कहा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं होने लगा, कई थप्पड़ मारी, मुझे ऐसे मारा जिससे कि अंदरूनी चोट पहुंच सके। और फिर उसके बाद जान से मारने की धमकी दी, तुझे जान से मार दूंगा, एक में फेंक दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इस वजह से मैं काफी डर गया, और डरने के बाद क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं खाली हाथ था और मैं कमजोर भी पड़ रहा था उनके सामने, तो मैं भाग करके एक हों में दुपक करके मैंने 112 नंबर पर कॉल किया, बीसी जा रहा था, फिर मुझसे हो नहीं पाया, तो मैंने एक अपने मस्जिद के जो मुतवल्ली माने जाते हैं फुरकान भाई, उनके पास मैंने कॉल किया कि भाई मैं एक में दुबका हुआ हूँ, मुझे मारने के लिए 2 बंदे लग रहे हैं और जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। तो वो बेचारे एक आध लड़के को साथ में लेके वो आए, जब उन्होंने फोन किया, जब मैं एक से निकला, एक से निकलने के बाद फिर सारी बात उनसे बताई, तो फिर हम लोग थाना इंचार्ज साहब के पास गए, थाने पर गए, वहां पर क्या कहते हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गए, तो रिपोर्ट उन्होंने दर्ज की। तो ये बयान था मस्जिद के इमाम का। अब जरा एक छोटा सा वीडियो और देख लीजिए कि जिसमें एक मुस्लिम शख्स को जो सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहने हुए है, दाढ़ी रखे हुए है, और उसको किस तरह से गालियां बक के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इलाके के जो लोग हैं वो समझा रहे हैं नौजवानों को कि ऐसा मत करो, इसको मत मारो, लेकिन वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, इसको मारेंगे, इसको पीटेंगे, और गालियां बकी जा रही हैं। ये वीडियो भी देखिए। अरे बेटा छोड़ दो भैया, हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, अरे लगा तो बहुत मारा क्या मान ले, हाँ गलती करी होगी, पाकिस्तानी क्या बोल रहा है, मारे मारा क्या मान लो, हाथ जोड़ रहे हैं, छोड़ छोड़ सुनिए छोड़ पाकिस्तान पाकिस्तानी है, मारने करे छोड़ पाकिस्तानी है, छोड़ दे छोड़ भैया छोड़ मारे, अरे बैठे छोड़ दे, भाई हमने तो बहुत सुन लिया, चल भाग जा भाग जा, स्कूटी खड़ी है उनके, स्कूटी खड़ी है उनकी, स्कूटी खड़ी है, अरे ले जाओ ले जाओ, तुम मिला दे करके फिर पकड़ लेंगे, ठीक है अपने मुंह
ए भाई परेशान मत करो, जाओ ओए इसकी वीडियो करिए एक बार टाइम। अरे जान दे आप फोन करो, कैसे करो मेरे बड़े भाई फोन करो। दोस्त यार तू चला जा, बेर है यार, यहाँ बम फाड़ने के चक्कर में हो गए संजयपुरी में। अरे रहने दो यार भैया, छोड़ तो खा दी, लकुन मार रहा है तो छोड़ तो खा रहा तू, आज ना छोड़ हम। तो ये कल्चर बहुत तेजी से चल रहा है, दोनों वीडियो आपने देख लिए हैं। एक मस्जिद के इमाम है, मोदी नगर गाजियाबाद का ये मामला है। एक मस्जिद के इमाम जो अपना बयान दे रहे हैं, जो कुछ उनके साथ हुआ है वो बता रहे हैं, और दूसरा एक मुस्लिम गरीब फेरी वाला है कि जिसके साथ ये मारपीट राह चलते की गई है, जहां से भी वो गुजर रहा होगा वहीं कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया और पकड़कर बुरी तरह पीटा, जान बचाकर भागने पर मजबूर हुआ। तो ये तमाम मामलात इस वक्त सामने आ रहे हैं, किस तरह से मुसलमानों को घेरा जा रहा है, घेर के उनको पीटा जा रहा है और साथ साथ जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। हम हर बार ये पूछते हैं कि क्या जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने से जो राम के सिद्धांत हैं और जो राम की इज्जत है क्या वो बढ़ जाएगी? क्या श्री राम यही चाहते थे कि आप जबरन जय श्री राम का नारा किसी से लगवाइए, या कोई मजहब ये चाहता है कि जबरन किसी का नारा लगवाया जाए, जबरन किसी का परचम उठवाया जाए, जबरन किसी को धर्म में लाया जाए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यही तमाम चीजें आज देश में हो रही हैं, और अब पुलिसिया कार्रवाई क्या है वो और आपको आखिर में बता देता हूं। पुलिसिया कार्रवाई कुछ इस तरह से चल रही है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मामला दर्ज करके दोनों लड़कों को जो इन घटनाओं में शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब देखना यह है कि कितने दिन तक गिरफ्तारी रहेगी, कितने दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि इस तरह के मामलों के बाद या तो कार्रवाई ढीलेपन से होती है या कार्रवाई होती ही नहीं है, और अगर हो जाती है तो उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद या कुछ ही दिनों के बाद वो लोग जेल की सलाखों से बाहर आ जाते हैं और फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया जाता है कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम करके आए हों। तो समझा आपने आज के इस वीडियो से कि आखिर हो क्या रहा है। अब अगर कोई आवाज उठाए या प्रदर्शन करे तो उसकी आवाज को दबाने के लिए तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, प्रशासन भी लग जाता है कि भाई माहौल खराब किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर माहौल खराब कर कौन रहा है? जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं उनके ऊपर अगर सख्ती से कार्रवाई हो जाएगी तो ये हालात वैसे ही सुधर जाएंगे। तो मामला गाजियाबाद के मोदी नगर का है कि जहां मुसलमान फेरी वाले को किस तरह से पीटा गया, और उसी के साथ साथ मस्जिद के इमाम के साथ जो घटना घटी है वो उन्होंने खुद बताई है। थप्पड़ मारे गए, बुरी तरह से पीटा गया, कहते रहे कि छोड़ दो, लेकिन नहीं, छोड़ा नहीं गया। और एक चीज आज के इस वीडियो में आपको बतानी है, स्पेशली कहा गया वीडियो बनाओ और वीडियो बना के वायरल करो ताकि खौफ का माहौल फैले, एक विशेष समुदाय में खौफ फैल जाए, दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा पहनकर निकलने वाला आदमी डर जाए, खौफ में आ जाए कि कहीं अगर भगवा गमछा डाले हुए कोई मिल गया और उनकी तादाद ज्यादा हुई और घेर लिया गया तो क्या होगा। तो इस तरह से कमजोर करने की कोशिश, माइनॉरिटीज को खास तौर से मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश, ये एक तबका है, ये ग्रोह है जो इस तरह के काम कर रहा है। लेकिन मस्जिद के इमाम ने जिस तरह से इनसे मुकाबला किया वो भी काबिल तारीफ है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपनी जान बचाई और जान बचाकर 112 नंबर पर फोन किया, भले ही ना मिला हो, फोन नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने फौरन फिर अपने मौज़िन को फोन किया और मस्जिद का जो मौज़िन था, जो मुतवल्ली था, वो फौरन मौके पर पहुंचा और मदद के लिए वहां लोग आए। तो ये तमाम चीजें गौरतलब हैं और देखने वाली हैं, क्योंकि इस तरह की जब भी कोई सिचुएशन आती है तो उसमें आप फंस जाते हैं, फोन भी कभी कभी छीन लिए जाते हैं और वहां से निकलना मुश्किल होता है, और फिर लगवाए जाते हैं इस तरह के नारे। मैं नारों को गलत नहीं कहता, लेकिन जो लोग ये नारा जबरन लगवा रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पीट पीट कर नारा लगवा रहे हैं मुसलमानों से, आखिर क्यों? क्या श्री राम को जरूरत है कि जबरन
कोई मुसलमान जय श्री राम कहे और जबरन कुछ लोग आए और आतंकवादी की तरह बिल्कुल किसी को घेर लें और उससे कहें कि लगाओ जय श्री राम का नारा, कहो जय श्री राम। जी नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। श्री राम को तो जहां तक हम बता सकते हैं, जहां तक हम समझते हैं या जहां तक पढ़ा है, श्री राम को बिल्कुल भी इस तरह के नारों की जरूरत नहीं है। आप ही पहले सच्चे दिल से जय श्री राम का नारा लगा लीजिए, किसी और से तो बाद में लगवाइएगा। और जबरन जय श्री राम का नारा लगवाना, तो इस पर कार्रवाई कठोर होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग देश का माहौल असल में ख़राब करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।